हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया सिन्हा लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। और आज है 23 जून। मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया आज। एक्चुअली में आज फिर से अगेन एक चिट चैट व्लॉग होगा, जिसमें मैं अपने बारे में आपको बताऊंगी, अपने बारे में इन द सेंस जो मेरी डाइटिंग की जर्नी चल रही है इन 2 हफ्तों से, उनके बारे में आपको बताऊंगी। सो गाइस, ऐसा है, डाइटिशियन से मैं डाइट ले रही हूँ फिलहाल 2 वीक से, जिसका रिजल्ट अप्रॉक्स 2 किलो मेरा वेट रिड्यूस हुआ है। और जो कि बार बार अभी ऊपर नीचे कर रहा है, वो भी उनकी मिस्टेक बोलूँ, अपनी मिस्टेक बोलूँ, या किसी की भी गलती नहीं है ये बोलूँ, क्या होता है। ठीक है, वेट लॉस का सिंपल सा फंडा है, देयर इज अ 5 रूल्स एवरीबडी नोज, कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना, पानी बहुत पीना है, स्लीपिंग पैटर्न ठीक करना है, बाहर का खाना अवॉइड करना है, ऑयली जंक्स जो होते हैं वो अवॉइड करने हैं, कम से कम अपनी डाइट में लेना है, एंड वन मोर थिंग, कैलोरी डेफिसिट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कैलोरी डेफिसिट में खाना होता है, बहुत सिंपल फंडा है कैलोरी डेफिसिट। कैलोरी डेफिसिट क्या है? मतलब कि आपकी कैलोरीज, जितनी बॉडी को कैलोरीज चाहिए खाने के लिए, उससे कम कैलोरी का खाना आपको खाना पड़ता है। सो गाइस, कैलोरी कैलकुलेटर, कैलोरीज को कैलकुलेट करना बहुत इजी है। गूगल पे जाइए, बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी आपकी वेट, आपका वेट, एज डालिए, आपकी सेडेंट्री लाइफ है, हार्ड वर्किंग है, कैसी है, वो सब डालिए, वो पूछेगा और आपका आपको बता देगा कि आपको किस लिए अपनी कैलोरीज जाननी है। अगर आपको वेट लॉस के लिए जानना है तो वो बताएगा, अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेट लॉस करना है तो उसमें कितनी कैलोरीज खानी चाहिए, मेंटेन करने के लिए आपको कितनी कैलोरीज खानी चाहिए, मतलब डेफिनेटली वो गूगल पे अवेलेबल है, आप जाइए और देख सकते हैं अपनी कैलोरीज। तो अभी क्या होता है कैलोरीज के ऊपर, गाइज मैं आपको सही बताऊँ, मेरी जो डाइटिशियन है मुझे खाना ठीक दे रही है, अकॉर्डिंग टू जितनी कैलोरीज मुझे को मिलनी चाहिए फॉर वेट लॉस उतना ही मिल रहा है। बट क्या है ना, हमें ज़्यादा खाने की आदत है, बहुत ज़्यादा खाने की आदत है। जितना उन्होंने मेरी डाइट रखी है ना, उससे तो मेरे ख्याल से मैं बहुत ही ज़्यादा खाती थी। अब क्या है, कभी उन्होंने 2 ब्रेड दे दी एक बार नाश्ते में, या 1 ब्रेड दे दी नाश्ते में, फ्रूट और सब्जी तो उन्होंने कहा जितना मर्जी खाओ, लेकिन 1 ब्रेड दे दी, दो या दो किसी दिन 2 ब्रेड दे दी, या किसी दिन 2 चपाती, रात को 1 ही चपाती दी है और बीच में ओट्स डाल दिए हैं। तो ये क्या है, बहुत छोटा छोटा कैलोरीज, थोड़ा थोड़ा खाना है। अभी क्या है, हमें है थोड़ी ज़्यादा खाने की आदत, इससे अपनी डाइट हमारी ज़्यादा थी। तो अभी मेरे को क्या है, मुझे स्टार्विंग फील होता है, बहुत भूखा भूखा, अरे मैंने तो खाया ही नहीं, अरे मैंने तो कुछ खाया नहीं, मुझे अभी 2 ही रोटी तो खाई है, भूख लग रही है। अरे फिर मैंने उनसे ये बात डिस्कस करी कि यार मेरे को ना ऐसा लग रहा है मैं बहुत स्टार्विंग मोड पर जा रही हूँ, और मेरी जो लाइफ स्टाइल है, जो मेरी मेहनत है, ये जो हार्ड वर्किंग शेड्यूल है मेरा, उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत कम खाती हूँ, और हर टाइम एक भूख 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 दिमाग में रहता है कि कुछ खाना है, बहुत स्टार्विंग हो रहा है। अच्छा टाइम शेड्यूल से, अच्छा अब 7:30 बज गए हैं, कि एक्चुअली हमारा दिमाग बोलता है, हम खाना इसलिए नहीं खाते कि हमें भूख लगी, हम इसलिए खाते हैं अरे 2 बज गए खाना हो गया, अरे 5 बज रहे हैं शाम की चाय चाहिए, अरे 8 बज रहे हैं अब तो खाना चाहिए। चाहे कि आपके पेट को भूख लगी है कि नहीं, उस चीज़ की डिमांड है कि नहीं, लेकिन हम फिर भी टाइम देखें, अरे 9:30 हो रहे हैं, 10 बज रहे हैं यार सुबह के, नाश्ता लाओ। नो डाउट कि आपके पेट को शायद उस टाइम भूख नहीं लगी होगी, लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली का कल्चर है, जो इंडिया में एक कल्चर है खाने को लेकर, जितने हम शौकीन हैं वो इसी तरीके का है, सब जानते हैं, हम टाइम से खाना खाते हैं, टाइम शेड्यूल को देखते हैं, 6 बज गए सुबह की तो चाय पीनी है, 10 बज गए तो नाश्ता करना है, 2 बज गए तो खाना खाना है। नो डाउट कि अगर भूख लगी है नहीं लगी है कोई मतलब नहीं है, पर खाना है क्योंकि बस दोपहर हो गई। दूसरा, हम लोग ब्रेड, बिस्किट, नमकीन या ओट्स को खाना नहीं मानते, लाइक 2 ब्रेड खा ली, अरे यार ब्रेड ही तो खाइए, खाना कौन सा खाया, ये तो ब्रेड है, इसको ये तो खाना थोड़ी ना होता है, ब्रेड खाना थोड़ी ना होता है, मैं तो रोटी खाऊंगी। नहीं गाइस, सीरियसली मेरी वाली गलती मत करना, 1 ब्रेड में 1 रोटी जितनी कैलोरीज होती हैं, मतलब 1 ब्रेड का पीस खाना मतलब 1 रोटी खाना, इट्स जस्ट अ फूड रिप्लेसमेंट, कि आपने रोटी ना खा के 1 ब्रेड खाया है, दैट्स इट। तो ये सब चीज़ें जो मुझे समझने में अपनी डाइटिंग की जर्नी में आ रहा है, जो स्टार्विंगनेस मैं फील कर रही हूँ, उन्होंने मुझे ये बात समझाई
कि हम आपको कम खाना नहीं दे रहे हैं, वेट लॉस जर्नी के दौरान जितना आपको खाना खाना चाहिए उतना ही दे रहे हैं, बिकॉज आपकी भूख बहुत ज़्यादा थी, आप अब धीरे धीरे उसको कम कर रहे हो, तो आपको ऐसा लगता है। लेकिन एक कहावत है, उन्होंने इस तरीके से ही समझाया जैसे डायरेक्टली मैं आपको बता रही हूँ। एक कहावत है, जितनी खाओगे उतनी भूख लगेगी, जितना सोओगे उतनी नींद आएगी। तो पेट हमारा सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, जैसे कम खाओगे तो वो सिकुड़ेगा और जितना खाओगे वो और फैलेगा और भूख लगेगी। तो वो बस अभी मैं भी प्रैक्टिस कर रही हूँ कि कम खाऊँ कम खाऊँ, कोशिश करती हूँ बहुत हद तक कि कम ही खाऊँ। कभी कभी कोई चीट हो जाती है, लाइक एक रोटी से दो रोटी खा लेती हूँ, या एक ब्रेड दो ब्रेड से एक और ब्रेड ले लेती हूँ, ब्रेड ले लेती हूँ। समटाइम्स मेरा थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, जिसकी वजह से भी मेरा वेट ऊपर नीचे करता है। बहुत कोशिश कर रही हूँ गाइस कि करूँ कंट्रोल, करूँ बहुत कंट्रोल, करूँ कर भी रही हूँ बहुत हद तक। और धीरे धीरे मुझे पता है कि जब मैंने इतनी लंबी जर्नी, देखो स्टार्टिंग के 8-10 किलो कम करना आसान था, बहुत आसान था, कर लिया, लेकिन अब मेरे वेट को उसकी आदत हो गई है, मेरे शरीर को मेरी बॉडी को उसकी आदत हो गई है। तो अब मुझे थोड़ा और फोर्स करना पड़ेगा, थोड़ा और पुश करना पड़ेगा अपने आप को वेट लॉस करने के लिए। सो गाइस मेरी जर्नी मतलब चालू है, कोशिश जारी है। आई होप आप लोग मेरा इसमें साथ दोगे, मुझे इतना प्यार दोगे। और गाइस 2023 आपकी प्रिया का है, मुझे वेट लॉस करना है। आई डोंट नो हाउ, कैसे करूंगी, कब कैसे होगा, पर करना है, ये मेरी जिद है कि करना है, अपना वेट लॉस करना है बस। और क्या बोलूं गाइस, बस यही चल रहा है। कैलोरी डेफिसिट बता दिया मैंने आपको, हमें थोड़ा सा दो चीज़ें मैंने आपको देखो ज़्यादातर बताई है कि भूख लगे पेट को तभी खाओ, टाइम को देख के मत खाओ कि 2 बज रहे, 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, जबरदस्ती मत खाओ। ब्रेड वगैरह बहुत कम कंज्यूम करो, और अगर कम कंज्यूम करते हो तो रोटी मत खाओ। ज़्यादातर मैंने यही किया था गाइस, एक्चुअली पुरानी मेरी आदत क्या थी, ऑफिस में शाम के टाइम 5-6 बजे ऑफिस में समोसा आ गया खा लिया, पैटीज आ गई खा ली, या कुछ ब्रेड पकौड़े आ गए खा लिया, और फिर घर जाके खाना भी खा लिया, तो वेट नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा। फिर मैंने धीरे धीरे आदत डाली कि अगर मैंने ऑफिस में कुछ खा लिया तो मैं घर जाके डिनर नहीं करती थी, या दूध पी के सो जाती थी, या मैं डिनर करती थी तो मैं इवनिंग स्नैक्स बहुत ही रेयर कुछ लेती थी, 2 बिस्किट या खीरा काट लिया ऐसे। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको भूख लग रही है, जो उन्होंने मुझे समझाया मैं आपको बता रही हूँ, इन केस कि आप भी अगर वेट लॉस जर्नी पर हो, वेट लॉस करना चाहते हो और आपको बहुत क्रेविंग्स हो रही है, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो जितना फ्रूट्स हैं आप सब्जियां हैं वो खाओ, बाउल बना बना के फ्रूट्स का खाओ, जब भूख लगे तब वो ही खाओ। कुछ कुछ गुजराती नमकीन आती हैं, जवार की, मेथी की, जब अभी मैंने ऑर्डर करी है, अगर वो आ जाएंगी, बाजरे की, बाजरा तो खैर गर्मी है सर्दियों में नहीं खाना चाहिए, इतनी गर्मी होती है उसमें, और तो मैंने जवार और रागी का मंगाया है। आई थिंक अगर वो आ जाता है तो मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। जवार के पफ्स आते हैं नमकीन टाइप के, उसे खाओ, वो बहुत अच्छे होते हैं वेट लॉस, वेट लॉस के लिए भी, और ऐसा नमकीन चाय के साथ आप लेते हो तो वो भी बहुत अच्छी है। तो बस गाइज ये था अब तक की जर्नी का जो रूटीन है, और बाकी संडे को बताते हैं, वेट तो संडे को ही होना है, और लेट्स सी क्या होता है। एंड आई होप मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आया होगा। एंड स्टे हैप्पी गाइज, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, अपने लिए कीजिए, ज़रूर कीजिए कुछ ना कुछ, जो करना चाहते हैं अपनी लाइफ को जीने के लिए कीजिए, अपना एक गोल बनाइए, वॉट एवर द गोल इज, लेकिन गोल बनाइए लाइफ में बस गाइज। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी बात से आप एग्री करते हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ 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 प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन और फ्रॉम माई ऑफ माई नेक्स्ट वीडियोज, जो भी अपकमिंग वीडियोज होगी उसकी। एंड ओके सर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय गाइज।